अनडिजर्विंग बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो उन पेरेंट्स की उम्मीद भी नहीं पूरी हो पाएगी और बच्चों की मेहनत का भी कुछ नहीं रहेगा। देखा जाना बच्चा इस बार भी जैसे जब रिजल्ट इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट पंचशील ए ब्लॉक अजमेर शहर के बीचों बीच होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ 25 प्लस स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी अंडर द सेम रूफ विद हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10 9773326213। हम यहां पर आए क्योंकि हमें रीनीट की डिमांड है क्योंकि इस बार बहुत बच्चों के साथ में गलत हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं, उनके बहुत कम मार्क्स आ रहे थे पर फिर भी उनके 700 से ऊपर मार्क्स आने लग गए हैं और जिन बच्चों ने मेहनत करी थी उन बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा, उनके बहुत कम रैंक आ रही है और उन्हें कॉलेजेस भी नहीं मिल रहे। तो हमें रीनीट की डिमांड है। पेपर बहुत जगह पर लीक हुआ था, एक ही सेंटर से 8-8 बच्चों के 720 में से 720 आ रहे हैं, तो हमें रीनीट की डिमांड है। क्या हर बच्चे के पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि बच्चों से अच्छा रिजल्ट चाहिए और जिसके लिए बच्चे मेहनत करते भी हैं, पर उतना अच्छा रिजल्ट अगर एनटीए ऐसा सब करेगा इस तरीके से अनडिजर्विंग बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो उन पेरेंट्स की उम्मीद भी नहीं पूरी हो पाएगी और बच्चों की मेहनत का भी कुछ नहीं रहेगा। देखा जाना बच्चा इस बार भी जैसे जब रिजल्ट आया तो काफ़ी सारे बच्चों ने सुसाइड करी थी, जो बच्चे मेहनत कर रहे थे वही अफकोर्स सुसाइड करेंगे, तो उस संबंध में मतलब वापस उन बच्चों के लिए एटलीस्ट वापस रीनीट होना चाहिए। हम सिर्फ गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि सच्चाई सामने आए, एक बार वापस मौका दिया जाए बच्चों को और इस बार ऐसा जो लीक हो रहा है वो सारी चीज़ें बंद हो और अच्छे से वापस पेपर एक बार वापस कंडक्ट कराया। सोनाक्षी, आज नीट का विद्यार्थी और विद्यार्थी परिषद संयुक्त रूप से सड़कों पर उतरा है क्योंकि विद्यार्थी परिषद की एक ही मांग है, नीट के यूजी परीक्षा की सीबीआई जांच हो, क्योंकि नीट के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के लिए सरकार ब्यूरोक्रेसी का गलत फायदा उठाकर नीट के यूजी परीक्षा का परिणाम 4 जून जब लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा था उस दिन घोषित किया, क्योंकि जब आपने आपकी ही साइड्स पर ढाल रखा था कि 14 जून को इसकी जो है परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, फिर 4 जून को क्यों ये मांग कर रही है विद्यार्थी परिषद कि 4 जून को ही क्यों? क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को उसका जो है फायदा पहुंचाने के लिए और ब्यूरोक्रेट्स की मिलीभगत को सामने ना आने देने के लिए आज सरकार भी इस विषय को छुपा रही है। इसीलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एनटीए के ऊपर सीबीआई की जांच बैठे और नीट का यूजी परीक्षा परिणाम जो है उसके ऊपर धांधली जो हुई है उसके अंदर कार्यवाही हो और सीबीआई जांच करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए जिससे कि नीट के यूजी के जो बच्चे हैं वो जो है वो आगे बढ़ सके और परीक्षा को वो पुनः देकर और अपना जो स्थान है वो सुनिश्चित कर सके। आज हमने प्रधानमंत्री जी के नाम से कलेक्टर महोदय अजमेर को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इसके ऊपर सीबीआई की जांच हो, वरना विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।